जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट इम्पोर्टंट थियरी है। केवा शू मांगे एमन स्टेटमेंट शू है? तो एकदम सीम्पल रही है स्टेटमेंट। जुओ, वेन ए गैस एक्सपांडेड ए डायबेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाया पोरस प्लग इन ए वैक्यूम देन इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। फिर एक बार, वेन ए गैस एक्सपांडेड ए डायबेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाया पोरस प्लग इनटू वैक्यूम देन इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट शू कहे? ए डायबेटिकली एक्सपेंशन, ए गैस एक्सपांडेड ए डायबेटिकली मतलब कॉन्स्टंट हीट हो त्यारे गैस नू एक्सपेंशन करवानू छे। एक्सपेंशन क्यारे कहेवाय? तो के जेनू वॉल्यूम वधे अने प्रेशर घटे एने आपणे एक्सपेंशन कहीए छे। ए डायबेटिक एक्सपेंशन थाय छे अने साथे लखेलू छे पण ए जी लखेलू छे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अथवा एवुं कहेवाय लो वॉल्यूम टू हाई वॉल्यूम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाया पोरस प्लग। पोरस प्लग मतलब छिद्राळू कोई प्लेट वच्चे राखेली छे। इन टू दी वेक्यूम, वेक्यूमनी अंदर। देन इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट मतलब जे गैस छे ये थोड़ो ठंडो पड़े, आने जूल थॉमसन इफेक्ट कहीए। दिस फिनोमिना मतलब आ घटना ने जूल थॉमसन इफेक्ट कहीए। मतलब सरवाळे एवुं कहेवा मांगे कि कोईपण गैसनू ए डायबेटिकली एक्सपेन्शन करो मतलब लो प्रेशरमांथी हाई प्रेशरमां लई जाओ, सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लई जाओ मतलब वॉल्यूम वधारो, तो ई गैस थोड़ो ठंडो पड़े मतलब जे कई टेम्परेचर छे एना करता थोड़ुं टेम्परेचर डिक्रीज थाय मतलब ठंडो थाय तेने जूल थॉमसन इफेक्ट कहीए। फॉर एक्जाम्पल कोई एक बलून छे एमां हवा भरेली छे अने धीमे धीमे तमे ए हवा कोई छिद्र करीने अथवा तो धीमे धीमे हवा छोड़ी दीशो तो अंदर जे गैस छे अने बहार जे गैस निकळे छे एना बन्नेना टेम्परेचरमां थोड़ोक वेरिएशन होय। अंदर जे गैस छे एमनाथी बहार जे गैस निकळे छे एमनुं टेम्परेचर थोड़ुंक ओछुं होय छे मतलब कूलिंग इफेक्ट आवे, आमने जूल थॉमसन इफेक्ट कहेवાય। आ जनरल स्टेटमेंट छे कि કોઈપણ ગેસનું એડાયબેટિકલી એક્સપાન્શન કરો તો એ ગેસનું ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય, ઠંડો પડે, જેને જૂલ થોમસન ઇફેક્ટ કહે. પણ અમુક ગેસ એવા છે કે જે આ સ્ટેટમેન્ટ ફોલો કરતા નથી. જુઓ કયા? એક્સેપ્ટ હાઇડ્રોજન એન્ડ હિલિયમ. હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ સિવાય તમામ ગેસ જૂલ થોમસન ઇફેક્ટ આપે છે, પણ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ આપતા નથી. શું કામે? બીકોઝ હાઇડ્રોજન એન્ડ હિલિયમ ગિવ્સ હીટિંગ ઇફેક્ટ ઓન એક્સપાન્શન. એચ ટુ અને એચઈ આ બે ગેસ એવા છે કે જેને એક્સપાન્ડ કરો મતલબ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરો તો એમાં કુલિંગ ઇફેક્ટ આવતી નથી. એટલે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ નોર્મલ ટેમ્પરેચરે જૂલ થોમસન ઇફેક્ટ આપતા નથી, પણ એમાં પણ જૂલ થોમસન ઇફેક્ટ આવી શકે પણ વેરી લો ટેમ્પરેચરે. જુઓ ક્યારે? બટ એટ વેરી લો ટેમ્પરેચર હાઇડ્રોજન એટલે કે -80°C ટેમ્પરેચર એન્ડ હિલિયમ -240°C ટેમ્પરેચર ગિવ્સ કુલિંગ ઇફેક્ટ. હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ રૂમ ટેમ્પરેચરે કુલિંગ ઇફેક્ટ આપતા નથી. ક્યારે? ઓન એક્સપાન્શન. વોલ્યુમ વધારો અથવા તો પ્રેશર ઘટાડો ત્યારે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ આ બે એક્સેપ્શન છે, જૂલ થોમસન ઇફેક્ટ આપતા નથી. પણ વેરી લો ટેમ્પરેચરે હાઇડ્રોજન -80°C ટેમ્પરેચરે અને હિલિયમ -240°C ટેમ્પરેચરે કુલિંગ ઇફેક્ટ આપે છે. એટલે એક સ્ટેટમેન્ટ નવું તૈયાર થાય મતલબ એક નવા ટેમ્પરેચરની ડેફિનેશન તૈયાર થઈ છે જેનું નામ છે ઇન્વર્ઝન ટેમ્પરેચર. એનું સ્ટેટમેન્ટ આ પ્રકારનું થાય કે એવા ટેમ્પરેચરની નીચે જો કોઈ ગેસ કુલિંગ ઇફેક્ટ આપતો હોય તો એને ઇન્વર્ઝન ટેમ્પરેચર કહેવાય. The temperature below which a gas becomes cooler on expansion, that is known as inversion temperature. TI થી બતાવે એમને. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે હાઇડ્રોજન છે એનું ઇન્વર્ઝન ટેમ્પરેચર થાય -80°C અને હિલિયમનું ઇન્વર્ઝન ટેમ્પરેચર થાય -240°C ટેમ્પરેચર. કારણ કે રૂમ ટેમ્પરેચરે માનો કે હાઇડ્રોજનને હિલિયમને એક્સપાન્શન કરો, એ ડાયબેટિકલી એક્સપાન્ડ કરો તો એમાં કુલિંગ ઇફેક્ટ આવે નહીં.
मतलब आ बे गेस एवा छे जे रूम टेम्परेचरे जूल थॉम्सन इफेक्ट आपता नथी, बाकी तमाम गेस ने आ स्टेटमेंट लागू पड़े छे। जूल थॉम्सन इफेक्ट के जे एक्सपांशन करो गैस नो त्यारे कूलिंग इफेक्ट आवे। हाइड्रोजन हीलियम बात करता, पण हाइड्रोजन अने हीलियम पण जूल थॉम्सन इफेक्ट आपी शके, पण क्यारे? एट वेरी लो टेम्परेचर, अने एवं टेम्परेचर के जेना पछी कोईपण गैस एक्सपांशन वक्ते कूलिंग इफेक्ट आपतो होय तो एने इन्वर्जन टेम्परेचर कहेवाय। एनो मतलब कि हाइड्रोजननुं इन्वर्जन टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड અને હિલિયમનું ઇન્વર્ઝન ટેમ્પરેચર -240 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર થઈ છે। તો આ જૂલ થોમ્સન ઇફેક્ટની પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન હતી કે જૂલ થોમ્સન ઇફેક્ટ કહેવાય કોને। હવે આપણે આગળ વાત કરવાની છે, જૂલ થોમ્સન ઇફેક્ટ જે છે એ ક્યારે ઝીરો થાય અને એનો કોઓફિશન્ટ શું હોય। તો નોર્મલ વાત કે જૂલ થોમ્સન ઇફેક્ટ જે છે એ આઈડિયલ ગેસ માટે ઝીરો છે। જૂલ થોમ્સન ઇફેક્ટ ઇઝ ઝીરો ફોર આઈડિયલ ગેસ, આઈડિયલ ગેસ માટે ઝીરો છે, મતલબ રિયલ ગેસ માટે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહેશે। તો જુઓ જૂલ થોમ્સન ઇફેક્ટ આ એમની પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન છે। હવે આપણે આગળ વાત કરીએ જૂલ થોમ્સન કોઓફિશિયન્ટ, મતલબ એક એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનો છે। જૂલ થોમ્સન કોઓફિશિયન્ટ અને એક્સપેરિમેન્ટનું નામ છે પોરસ પ્લગ એક્સપેરિમેન્ટ, પોરસ પ્લગ એક્સપેરિમેન્ટ। એમનો એક ડાયાગ્રામ આપણે જોઈએ, જો ડાયાગ્રામ જૂલ થોમ્સન કોફિશિયન્ટ સાથે પોરસ પ્લગ એક્સપેરિમેન્ટ જુઓ। પિસ્ટન એ લખેલું છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં લખેલું છે પિસ્ટન બી। હવે અહીંયા બ્રાઉન કલરના બે પિસ્ટન આપેલા છે અને સાથે બે પાછા બીજા પણ આપેલા છે જે વાયોલેટ કલર જેવા છે। તો હાલ તમારે વાયોલેટ કલરના પિસ્ટન છે એને ભૂલી જવાના છે, એ નથી એવું સમજવાનું છે, માત્ર બ્રાઉન કલરના પિસ્ટન જ છે। બિલકુલ સેન્ટરમાં ઓરેન્જ કલર કેસરી કલરથી પોરસ પ્લગ આપેલો છે, પોરસ પ્લગ મતલબ છિદ્રાળું પ્લગ, મતલબ લેફ્ટ સાઈડથી રાઈટ સાઈડમાં ગેસ પાસ થઈ શકે અથવા રાઈટ સાઈડથી લેફ્ટ સાઈડમાં ગેસ પાસ થઈ શકે એ રીતે। પિસ્ટન એ અને પિસ્ટન બી જે બ્રાઉન કલરથી આપેલા છે, પિસ્ટન એ પિસ્ટન બી એ પોરસ પ્લગથી સેમ ડિસ્ટન્સ ઉપર છે, મતલબ બંને બાજુ પ્રેશર એક સરખું છે, વોલ્યુમ પણ એક સરખું છે અને ટેમ્પરેચર પણ એક સરખું છે। અહીંયા ટેમ્પરેચરના થર્મોમીટર આપેલા છે પણ હાલની કન્ડિશનમાં પ્રેશર વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર એક સરખું છે જે બ્રાઉન કલરથી પિસ્ટન આપેલા છે એના માટે, પિસ્ટન એ અને પિસ્ટન બી। શરૂઆતની સિચ્યુએશન આ છે। હવે આપણે ધીમે ધીમે એક્સપેરિમેન્ટની શરૂઆત કરવાની છે, મતલબ આ વાયોલેટ પિસ્ટન છે જ નહીં એવું ઇમેજિન કરવાનું હાલ તમારે, માત્ર બ્રાઉન છે। તો શરૂઆતમાં શું કરવાનું છે એક્સપેરિમેન્ટમાં, તો પિસ્ટન એ જે છે એને ધીરે 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 અંદર તરફ પ્રેસ કરવાનું છે। આ એક નોન કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલની બનેલી ટ્યુબ છે જે બ્લેક કલરથી બતાવેલી છે લાઈન, એક ટ્યુબ છે, ટ્યુબમાં બંને બાજુ પિસ્ટન છે એ અને બી। હવે એ પિસ્ટન જે બ્રાઉન કલરનો છે એને ધીમે 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 અંદર તરફ પ્રેસ કરવાનો છે, પ્રેસ કરો મતલબ એ ઇનિશિયલ એટલે બ્રાઉન છે અને ફાઇનલ એટલે વાયોલેટ કલર છે, એટલે પ્રેસ કરો અને ફાઇનલ સુધી પહોંચી જાય એટલે વાયોલેટ કલરથી બતાવેલું છે। એટલે હવે તમારે ફાઇનલ વાયોલેટ કલર છે યાદ રાખવાનો છે કે પિસ્ટન એ આટલે પહોંચી ગયો વાયોલેટ કલરે, તો એની જ સાથે સામેની સાઈડ પિસ્ટન બી જે છે બ્રાઉન કલર એ ધીમે ધીમે પાછળની તરફ ખેંચાય છે, ધીમે ધીમે પાછળની તરફ ખેંચાય છે, મતલબ એ વાયોલેટ કલરથી આપેલો છે બી, એ તમારે હવે ફાઇનલ સ્ટેપ ઉપર રાખવાનો છે। ઇનિશિયલ સ્ટેજે જે પિસ્ટન હતા એ બ્રાઉન કલરના હતા સેમ કન્ડિશનમાં, પણ હવે ધીમે ધીમે એક્સપેરિમેન્ટ શરૂઆત કરીએ કે પિસ્ટન એને પ્રેસ કરીએ તો ફાઇનલ પોઝિશન ઉપર એ વાયોલેટ કલરથી બતાવેલો છે અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પિસ્ટન બી એ ફાઇનલ પોઝિશને વાયોલેટ કલરથી બતાવેલો છે જેમાં પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય છે ઘણું બધું। લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં પિસ્ટન એનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરો તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પિસ્ટન બીનું પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય, એનો મતલબ એવો થયો કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પિસ્ટન એ એનું વોલ્યુમ ઘણું બધું ઘટી જાય, ઘણું બધું ઘટી જાય એટલે કેટલું, અહીંથી V1 કરીને આપેલું છે V1 આટલું થઈ ગયું, અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પિસ્ટન બીનું પ્રેશર રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પિસ્ટન બીનું વોલ્યુમ ઘણું બધું વધી જાય કેટલું, તો કે V2। એનો મતલબ કે પિસ્ટન એ ઉપર પ્રેશર વધે છે વોલ્યુમ ઘટે છે અને બી ઉપર પ્રેશર ઘણું બધું ઘટે છે અને વોલ્યુમ વધે છે,
कारण के प्रेशर ने वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो लेफ्ट हैंड साइड पिस्टन ए में गैस ए डायबेटिकली पोरस प्लग थ्रू पास थी पिस्टन बी में आए तो एनो मतलब एवो थियो कि टी वन के जर इनिशियल टेम्परेचर हतुं एना करता टी टू के जे फाइनल टेम्परेचर है गैस पोरस प्लग में पास थी एक्सपांड थी गयो है वॉल्यूम वधी गयो है तो एनो मतलब कि टी टू टेम्परेचर घटशे घटशे मतलब एने कूलिंग इफेक्ट आवी कहेवाय मतलब टेम्परेचर डिक्रीज थाय कूलिंग इफेक्ट आए अने कूलिंग इफेक्ट आए एने ज आपणे जूल थॉम्सन इफेक्ट कहीए तो आ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है आपणे जे कंई पण इमेजिन करेलुं छे एज स्टेटमेंटना फॉर्म में लखवानू छे जो स्टेटमेंट कई रीते लखवानू छे तो अहींथी शुरुआत करवानी के एक नॉन कंडक्टिंग मटिरियल बनेली ट्यूब है कि जेमांथी बने टेस्ट ट्यूब साइड पर पिस्टन लागेला है क्या ए अने बी जो ए ट्यूब विच इज मेडअप बाय नॉन कंडक्टिंग मटिरियल विथ पोरस प्लग इज फिटेड एट मिडल ऑफ ट्यूब नॉन कंडक्टिंग मटिरियल बनेली एक ट्यूब है जेमा पोरस प्लग बिल्कुल सेंटर में फिट करेलो है ए सीवाय ट्यूबनी बने साइड में पिस्टन लगेला है जेमा लेफ्ट हेन्ड साइड पर आप पिस्टन ए कीधु है राइट हेन्ड साइड पर बी कीधु है तो टू पिस्टन्स ए एंड बी फिटेड ऑन ईच साइड ऑफ ट्यूब एज पर अबव फिगर ऊपरनी फिगर में जे आपेल छे ए मुजब बे पिस्टन फिट करेला है टेस्ट ट्यूबना दरेक साइड पर आगळ हवे नाव पिस्टन ए इज स्लोली फोर्स्ड सो प्रेशर इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज नाव पिस्टन ए इज स्लोली फोर्स्ड सो प्रेशर इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज वाइल एट पिस्टन बी प्रेशर डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज आज आप बात करी एज कि लेफ्ट हेन्ड साइड पर जो पिस्टन ए है जो ब्राउन कलर थी आपेल है इन्हें धीमे धीमे फोर्स करवा मतलब एंड पॉइंटे अपने वायलेट कलर थी जे आपेलू है ता सुधी आवी जईशे एटले प्रेशर वधार्यू वॉल्यूम घटशे सेम पोरस प्लग मांथी गैस पास थई अने पिस्टन बी तरफ एक्सपांड थई छे मतलब बी जे ब्राउन कलर नो पिस्टन आपेलो छे एनु प्रेशर डिक्रीज थई अने बहार निकळशे जे वायलेट कलर एंड पॉइंट आवी जईशे मतलब वॉल्यूम वधी जाय पिस्टन बी ए प्रेशर डिक्रीज थई वॉल्यूम इंक्रीज थई अने वॉल्यूम इंक्रीज थई छे तो एनु टेम्परेचर डिक्रीज थई कूलिंग इफेक्ट आपशे मतलब टी टू इज लेस देन टी वन आवशे तो एज बात लखेली है कि पिस्टन एने स्लोली फोर्स्ड करो तो प्रेशर इंक्रीज थई जेने आपणे पी वन कही है एने वॉल्यूम डिक्रीज थई छे जे वी वन छे ग्राफ में ग्राफिक्स में पण आपेलू छे एमनी सामे पिस्टन बी उपर प्रेशर डिक्रीज थई छे अने वॉल्यूम इंक्रीज थई छे प्रेशर डिक्रीज थईने पी टू बने वॉल्यूम इंक्रीज थईने वी टू बने तो जे आ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है एमनू रिप्रेजेंटेशन है हवे आगळ आपणे कैलक्युलेशन में आ प्रकारे लखवानुं थाय छे आगळ देरफोर वर्क डन ऑन सीस्टम एट पिस्टन ए ए केटलुं वर्क थई छे पिस्टन ए आ सीस्टम उपर वर्क कर्युं कहेवाय आपणे बाय ध सीस्टम अंदर जे गैस भरेलो छे एने प्रेस कर्युं आपणे एटले सीस्टम उपर वर्क थयुं कहेवाय एटले ऑन ध सीस्टम वर्क पिस्टन ए अथवा तो एवुं इमेजिन करो कि गैस प्रेशर शुं थाय छे तो के प्रेशर इन्क्रीज थाय छे एटले कि गैसनुं कम्प्रेशन थाय छे गैस कम्प्रेस थाय छे एटले ऑन ध सीस्टम वर्क कहेवाय अने ऑन ध सीस्टम माटे डब्ल्यू पॉजिटिव आवे एटले वर्क डन ऑन द सीस्टम एट पिस्टन ए डब्ल्यू ए इज इक्वल टू प्लस पी वन वी वन इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू ए इज इक्वल टू प्लस पी वन वी वन अने सेम एज रीते वर्क डन बाय ध सीस्टम जो वर्ड जो बाय ध सीस्टम एट पिस्टन बी पिस्टन ए उपर ऑन द सीस्टम है कारण के गैसनु कम्प्रेशन थाय छे અને પિસ્ટન બી ઉપર ગેસ એક્સપાન્ડ થાય એને કહીએ આપણે બાય ધ સિસ્ટમ હોય ત્યારે ડબલ્યુ નેગેટિવ હોય એટલે ડબલ્યુ બી બી ફોર પિસ્ટન બી ડબલ્યુ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી ટુ પી વી ટુ માઇનસ પી ટુ વી ટુ તો સિસ્ટમ એ ઉપર જે વર્ક થાય છે એ પ્લસ પી વન વી વન છે અને
सीस्टम बी एट पिस्टन बी द्वारा जो वर्क थे एम द्वारा लखव पड़े बाय दी सीस्टम है तो एम डब्ल्यू बी इज इक्वल टू माइनस पी टू वी टू कहवाय मतलब हम टोटल वर्क नेटवर्क बाय दी सीस्टम एट्ल के टोटल वर्क डन बाय दी सीस्टम के वर्क थे आखा एक्सपेरिमेंट में तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी टू वी टू प्लस पी वन वी वन आ रीते लखाय आग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सीस्टम चेन्जिज फ्रॉम यू वन टू यू टू मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू वन थी और फाइनल इंटरनल एनर्जी यू टू थे तो फर्स्ट लॉ ना इक्वेशन मुजब यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आप लखीए थे पण आ सीस्टम जे है आप वर्क कम कैलक्युलेशन करेलिए अथवा तो एक्सपेरिमेंट करेलो ये ए डायबेटिकली हो क्यू जीरो आए मतलब यू इज इक्वल टू डब्ल्यू थे डायरेक्ट पण इंटरनल एनर्जी नो चेन्ज लखवानो थाय फॉर ए डायबेटिक प्रोसेस तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कहवाय छे कारण के फर्स्ट लॉ शू कहे तो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अने ए डायबेटिक प्रोसेस माटे क्यू जीरो होय एटले डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आटलू थई जाय डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हम डब्ल्यू शू है तो कि माइनस पी टू वी टू प्लस पी वन वी वन ये आप इक्वेशन में राखी दी है डेल्टा यू तो कि यू टू माइनस यू वन तो एमने रीअरेंज करिए एट आ प्रकार बनी जाए यू टू प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू यू वन प्लस पी वन वी वन आग यू प्लस पी वी इज इक्वल टू तो एच थाय मतलब U2 टू प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू एच टू और यू वन प्लस पी वन वी वन इज इक्वल टू एच वन एनो मतलब एच टू इज इक्वल टू एच वन थी गये एच टू इज इक्वल टू एच वन मतलब एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू जीरो एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू जीरो मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो एंथाल्पी चेन्ज जीरो हो रीअरेंज कर इक्वेशन बनावेलू है यू टू माइनस यू वन मूको और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी टू पी वी टू प्लस पी वन वी वन आटलू राखी दीजो और पी टू वी टू ने लेफ्ट हेन्ड साइड लई लियो और यू वन ने राइट हेन्ड साइड लई लियो एट्ले आ तरफ इक्वेशन बनी जाए और आप जनरल इक्वेशन है एंथाल्पी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी तो यो मतलब कि यू टू प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू एच टू मूकी सकता है और यू वन प्लस पी वन वी वन इज इक्वल टू एच वन मूकी सकता है तो एच टू इज इक्वल टू एच वन थी गया तो एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू जीरो एच टू माइनस एच वन ये तो एंथाल्पी चेन्ज थी गये डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो हमें डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो है एंथाल्पी चेन्ज जीरो एनो मतलब कि जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है यहाँ टोटली एंथाल्पी चेन्ज जीरो होच टू एट के इनिशियल एंथाल्पी एच वन और फाइनल एंथाल्पी एच टू एच टू माइनस एच वन करो ए जीरो एट्ले कि आ टोटल प्रोसेस आइसो एंथाल्पिक होइसो एंथाल्पिक मतलब एंथाल्पी चेन्ज जीरो हवे नाउ एंथाल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंथाल्पी जे छे ये टेम्परेचर एंड प्रेशरनु फंक्शन छे एट्ले एना माटे मेथमेटिक्स में आवुं लखी शकाय एच इज इक्वल टू एफ टी पी एंथाल्पी छे ये टेम्परेचर एंड प्रेशरनु फंक्शन छे एटले मेथमेटिकली एने आ प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता है एच इज इक्वल टू एफ टी पी हमें आमनू आपणे डिफरेंशिएशन करवानू है डिफरेंशिएशन जुओ सो डी एच आ फूल डिफरेंशिएशन डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी इंटू डी पी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इंटू डी टी डी ज्या पण वापरेलो हो फूल डिफरेंशिएशन कहवाय डेल यूज करेलो होने हाफ डिफरेंशिएशन कहवाय पार्शियल हाफ नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल जो डी एच आमनु डिफरेंशिएशन करो ए डी एच कहवाय पछी शू करवानु है तो के डेल एच अपॉन डेल पी पी नु डिफरेंशिएशन थतु होय विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर त्यारे टेम्परेचर कॉन्स्टंट होय ज्यारे रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएशन थतु होय त्यारे प्रेशर कॉन्स्टंट होय तो जुओ विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर डिफरेंशिएशन थाय छे तो टेम्परेचर कॉन्स्टंट है और विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएशन थाय त्यारे प्रेशर कॉन्स्टंट है तो एच इज इक्वल टू एफ टी पी तो डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी इंटू डी पी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इंटू डी पी
आ प्रकारे इक्वेशन तैयार थाय। पण आमांथी एक पिरामीटर आपणे आगळ आवी गयो छे, कयुं तो के बट डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू सी पी थाय, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टंट प्रेशर। डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू सी पी थाय, तो आपणे सी पी ए इक्वेशन में राखी दईए। सो डेल एच एटले टोटल डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी इंटू डी पी प्लस सी पी इंटू डी टी। सी पी क्या थी आयू, तो के डेल एच अपॉन डेल डेल टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू सी पी था, हीट कैपेसिटी कॉन्स्टंट प्रेशर। हवे आ इक्वेशन में डी एच आपेलू है, डी एच अने डी एच इज इक्वल टू जीरो थे, तो आप प्रूव करेलू है आग के भाई जूल थॉम्सन इफेक्ट में डेल्टा एच जे है एंथाल्पी चेन्ज ये जीरो हो, डेल एच अथवा तो डी एच आ जीरो थे, तो लखी दी आप फॉर ए डायाबेटिक एक्सपेंशन डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मतलब डी एच पण जीरो थी, तो आ इक्वेशन में अँ डी एच इज इक्वल टू जीरो मुकवानू थे। सो जीरो इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी इंटू डी पी प्लस सी पी इंटू डी टी। तो सी पी इंटू डी टी ने अपने करता लई लीए, सी पी इंटू डी टी ने लेफ्ट हेन्ड साइड में है, हवे आमने शिफ्ट कर नाखीए डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी डी पी, तो एने आगळ माइनस साइन आवी जशे, तो आ इक्वेशन तैयार थई। हवे सी पी ने जे लेफ्ट हेन्ड साइड में है ने राइट हेन्ड साइड में लई लीए एटले वन अपॉन सी पी थई से, अने डी पी जे राइट हेन्ड साइड में है एने लेफ्ट हेन्ड साइड में लई लीए एटले डी टी नी अंदर नीचे आवी जशे, डी टी अपॉन डी पी तैयार थई से, तो बंने बाजूथी एक एक पेरामीटर चेन्ज करवानो छे। तो जुओ आम लखाय छे डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच, आइसो एंथाल्पिक प्रोसेस, डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी। अँ शूँ करेलू है, तो कि सी पी ने लेफ्ट हेन्ड साइड में ली लीधु, अने डी पी ने सॉरी सी पी जे लेफ्ट हेन्ड साइड में है एने राइट हेन्ड साइड में ली लीधु है, अने डी पी जे राइट हेन्ड साइड है एने लेफ्ट हेन्ड साइड शिफ्ट करेलू है, तो आ प्रकार इक्वेशन तैयार थे। अहीं डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच जे है एने जूल थॉम्सन क्वांटिटी अथवा जूल थॉम्सन कोफिशियंट कही है। दी क्वांटिटी ऑफ डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच इज नॉन एज जूल थॉम्सन कोफिशियंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू जे टी, म्यू जे टी जे टी फॉर जूल थॉम्सन। एट डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच अने जूल थॉम्सन कोफिशियंट कही है एमनू रिप्रेजेंटेशन म्यू जेटी थी करवामां आवे छे। तो लखवानू थाय तो म्यू जेटी आ रीते बतावे, म्यू जेटी एटले के म्यू जूल थॉम्सन, म्यू जेटी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी। आ जे क्वांटिटी है एमने जूल थॉम्सन कोफिशियंट कही है, अने आमने इक्वेशन ने जूल थॉम्सन कोफिशियंट इक्वेशन। जूल थॉम्सन इफेक्ट इज जीरो फॉर एन आइडियल गैस, आगळ पण वात थई गई है कि जो आइडियल गैस हो तो एना माटे म्यू जेटी इज इक्वल टू जीरो लखाई है, पण रियल गैस हो तो एना माटे आपणे कैलक्युलेट करीए छीए। तो आ जे इक्वेशन तैयार थयुं छे ए जूल थॉम्सन कोएफिशियंटनुं इक्वेशन छे, जेमां डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच अने जूल थॉम्सन कोएफिशियंट कही छे। तो आटली सुधी बात थी जूल थॉम्सन इफेक्ट, जे टी ई जूल थॉम्सन इफेक्ट नी। जूल थॉम्सन इफेक्ट शूँ कही है, तो कि कोईपण गैस ए डायबेटिकली एक्सपांशन करो तो एमां कूलिंग इफेक्ट आए, अने जूल थॉम्सन इफेक्ट कहे जेमां हाइड्रोजन ने हीलियम ने बाद करवाना है, कारण के एमां हीटिंग इफेक्ट आए। पण एक एवं टेम्परेचर है कि जे ए टेम्परेचर पछी एमां कूलिंग इफेक्ट आए, जेने इन्वर्जन टेम्परेचर कही है। माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड है हाइड्रोजन, माइनस 240 डिग्री सेंटीग्रेड है हीलियम। अने जूल थॉम्सन कोफिशियंट एनी एक्सपेरिमेंट जेने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट पण कही है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल नी ट्यूब है जेमां पोरस प्लग वच्चे फिट करेलो है, ट्यूबनी बंने बाजू पिस्टन लगावेला है। आपणे जे फिगर बनावेली छे एमां लेफ्ट हेन्ड साइड पर पिस्टन ए, राइट हेन्ड साइड पर पिस्टन बी।
धीमे धीमे पिस्टन एने अंदर तरफ प्रेस करो तो साइमल्टेनियसली पिस्टन बी धीमे धीमे बाहर तरफ निकल से, एनो मतलब कि एनु प्रेशर वधारो तो बीनू घट से। पिस्टन एनु वॉल्यूम डिक्रीज थे मतलब कम्प्रेस थे, और कम्प्रेस थे तो एना ऑन द सीस्टम वर्क कहें। पिस्टन बी धीमे धीमे बाहर निकले मतलब गैस एक्सपांड थे, एक्सपांशन थे मतलब एने बाय द सीस्टम कहें। तो एना उपर थी बेनु वर्क आपणे कैलक्युलेट कर्यो, मतलब नेटवर्क टोटल आवे माइनस पी टू वी टू प्लस पी वन वी वन। हवे इंटरनल एनर्जी चेन्ज डेल्टा यू मतलब यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू थे, एने इक्वेशन में आपणे राखी दीए तो ये प्रकार इक्वेशन तैयार थी। अने छेले एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू जीरो मतलब एंथाल्पी चेन्ज इज इक्वल टू जीरो। हवे एंथाल्पी है ये टेम्परेचर और प्रेशरन फंक्शन है तो यू डिफरेंशिएशन कर दीधु। ये इक्वेशन आए एम डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी ये तो हीट कैपेसिटी है सीपी, इन इक्वेशन में राख्यू डी एच इज इक्वल टू जीरो राखी दीधु और रीअरेंज कर दीधु एट्ले म्यू जे टी इज इक्वल टू डी डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टंट एच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सीपी डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टंट टी आने जूल थॉम्सन कोफिशियंट कही है। तो आटले सुधी जूल थॉम्सन इफेक्टनी बात थी, इम्पोर्टंट थीअरी है। नेक्स्ट एक बीजी एक थीअरी आपणे जोई लीए, वेरिएशन ऑफ एंथाल्पी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ एंथाल्पी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर ने साथे साथे एंथाल्पी केटली चेन्ज थाय छे जे किचोफ इक्वेशन थी बताई शकाय। मतलब आ जे इक्वेशन तैयार थई छे आमा एनु नाम छे किरचॉफ्स इक्वेशन। तो जुओ शुरुआत करिए, द एंथाल्पी चेन्जिज ऑफ द फॉलोविंग रिएक्शन। नीचे आपणे एक रिएक्शन आपीए, रिएक्शन आ छे ए ए प्लस बी बी गीव्स सी सी प्लस डी डी, एमा केपिटल ए बी छे ये रिएक्टंट छे, केपिटल ए अने बी रिएक्टंट छे, केपिटल सी अने डी छे ये प्रोडक्ट छे, अने स्मॉल ए बी सी डी ये मोल छे नंबर ऑफ मोल। केपिटल ए बी छे ये रिएक्टंट छे, केपिटल सी डी छे ये प्रोडक्ट छे, अने ए बी सी डी जे स्मॉल मां आपेलू छे ए एमना नंबर ऑफ मोल छे। तो एंथाल्पी चेन्ज माटे एक इक्वेशन आपेलू छे जे आ प्रकारनू छे, एमां रिएक्टंट अने प्रोडक्ट आपेली छे। तो आना माटे एंथाल्पी चेन्जનું એક ઇક્વેશન બનાવી શકાય। એન્થાલ્પી ચેન્જ આવું કહે છે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ। એન્થાલ્પી ચેન્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ, મતલબ સમેશન ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇઝ માઇનસ સમેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ્સ। તો પ્રોડક્ટ કેટલી છે, સી અને ડી, કેપિટલ સી કેપિટલ ડી આ પ્રોડક્ટ છે, રિએક્ટન્ટ કોણ છે તો કે કેપિટલ એ કેપિટલ બી આ રિએક્ટન્ટ છે। એમાં આગળ જે સ્મોલમાં લખેલા છે એબીસીડી એ તો એના નંબર ઓફ મોલ છે। તો હવે ઇક્વેશનમાં પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ મૂકવાનું થાય છે, તો જો આ પ્રકારે લખાય છે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ સી પ્લસ એચ ડી માઇનસ એચ એ માઇનસ એચ બી, અને આગળ એના મોલ મૂકેલા છે જે સ્મોલ એબીસીડી છે। તો ફૂલ આમ લખાય સી એચ સી પ્લસ ડી એચ ડી માઇનસ એ એચ એ અને માઇનસ બી એચ બી, આ માઇનસ આવશે ભાઈ માઇનસ બી એચ બી, અથવા તો ફૂલ કૌંસ કર નાખો તો આમ લખાય છે, કૌંસ કર નાખીએ એકવાર તો ફરી પાછું પ્લસ આવશે, કારણ કે આપણે લખવાનું શું છે પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ। આ રીતે ફૂલ ઇક્વેશન આમ તૈયાર થાય, ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી, મતલબ પહેલાં પ્રોડક્ટની વાત કરવાની, સી એચ સી પ્લસ ડી એચ ડી, એમાં આગળ જે સ્મોલ લખેલા છે એ નંબર ઓફ મોલ છે, માઇનસ પ્રોડક્ટ, પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ એટલે માઇનસ અહીંયા રિએક્ટન્ટ આવશે, એ મોલ ઓફ એચ એ પ્લસ બી મોલ ઓફ એચ બી। આ રીતે હવે આનું આપણે ટેમ્પરેચરને રિસ્પેક્ટ લઈ અને ડિફરન્શિએશન કરીએ। ડિફરન્શિએટ અબવ ઇક્વેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર, પ્રેશરને કોન્સ્ટન્ટ રાખીને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર આ ઇક્વેશનનું આપણે ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે। તો આ પ્રકારે આખું ઇક્વેશન તૈયાર થઈ જાય, જુઓ ડેલ એચ અપોન ડેલ ટી કોન્સ્ટન્ટ પી, ડેલ્ટા એચનું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર, ડેલ એચ ડેલ ડેલ્ટા એચ અપોન ડેલ્ટા ટી, સોરી ડેલ ડેલ્ટા એચ અપોન ડેલ ટી કોન્સ્ટન્ટ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી, એટલે આ નંબર ઓફ મોલ છે, સી
डेल एच सी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी प्लस डी डेल एच डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी माइनस काउंस आप खोली नाखी है माइनस ए डेल एच ए अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी माइनस बी डेल एच बी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी એટલે માઇનસ જેની આગળ લખેલું છે એ બી આ પ્રોડક્ટ છે અને સી અને ડી જે છે એ રિએક્ટન્ટના મોલ છે. હવે અહીંયા એક ઇક્વેશન આપણે બીજું મૂકી શકીએ કેમ કે ડી એચ અપોન ડી ટી કોન્સ્ટન્ટ પી અને આપણે સીપી કીધેલું છે આગળ ડી એચ અપોન ડી ટી કોન્સ્ટન્ટ પી એને આપણે આગળ સીપી આવું લખેલું છે જુઓ બીકોઝ ઓફ સીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ એચ અપોન ડેલ ટી કોન્સ્ટન્ટ પી આને તો સીપી કહીએ डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू सीपी हीट कैपेसिटी कॉन्स्टंट प्रेशर एनो मतलब डेल एच सी अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी आने आप सीपी सी माटे कही सकिए एज रीते डेल एच डी अपॉन डी टी कॉन्स्टंट पी मतलब हीट कैपेसिटी कॉन्स्टंट प्रेशर डी माटे एज रीते डेल एच ए अपॉन डी टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू सीपी फोर ए अने डेल एच बी अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू सीपी फोर बी तो सीपी सी प्लस सीपी डी माइनस सीपी ए माइनस सीपी बी सी एंड डी मोल ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल ए स्मॉल बी मोल ऑफ रिएक्टेंट तो आने एक साथ लखी सकते प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना हीट कैपेसिटी है तो एने डेल्टा सीपी एक साथ लखी सकी आप डेल्टा सीपी एनो मतलब कि हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आ प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट एटले हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एने आपणे डेल्टा सीपी थी बताई शकीए जनरल फॉर्म में तो फूल इक्वेशन थई जाय डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टंट पी इज इक्वल टू डेल्टा सीपी આ ઇક્વેશનને કિર્ચોફ્સ ઇક્વેશન કહીએ ડેલ ડેલ્ટા એચ અપોન ડેલ ટી કોન્સ્ટન્ટ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા સીપી અબોવ ઇક્વેશન ઇઝ નોન એજ કિર્ચોફ્સ ઇક્વેશન તો આ ઇક્વેશન ક્લિયર રાખવાનું છે. સિમ્પલ થિયરી છે. અહીંયા કોઈ પણ પ્રોડક્ટ મૂકીને પણ તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો. આપણે નંબર ઓફ મોલ મૂકી દીધા છે સ્મોલ એબીસીડી અને પ્રોડક્ટ અને રિએક્ટન્ટ પણ મૂકી દીધા છે. રિએક્ટન્ટમાં એ બી કેપિટલ છે અને પ્રોડક્ટમાં સી ડી કેપિટલ છે. તો અહીંથી શરૂઆત કરીને પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ એન્થાલ્પી ચેન્જ અને એનું ડિફરેન્શિએશન કરો. પછી એમાં હીટ કેપેસિટી મૂકો સીપી કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરને તો ડેલ એચ અપોન ડેલ ટી કોન્સ્ટન્ટ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી મૂકવાનું થાય એટલે આ ઇક્વેશન તૈયાર થાય. તો હીટ કેપેસિટી પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ મૂકો એટલે ડેલ્ટા સીપી લખાય અને આ ઇક્વેશન તૈયાર થાય એમને આપણે કિર્ચોફ્સ ઇક્વેશન કહીએ છીએ.